जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलदीप डेली पुलिस में। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे, काफ़ी भाई हमारे सोच रहे होंगे कि सर आपके चैनल का नाम तो और था, तो ध्यान रखना आपसे आपके चैनल का नाम यानी जहाँ से आप पढ़ते हैं बेस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, तो आपके चैनल का नाम है आप ध्यान रखना कुलदीप दिल्ली पुलिस। तो अब इसमें क्या सर, आप दिल्ली पुलिस तो आप समझ जाइए, तो मैंने दिल्ली पुलिस रखा है तो बस वो सभी तमाम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा का विषय है, वो आपको सारे वहाँ पर सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो हम यहाँ पे ध्यान रखना एक स्टैटिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले प्रमुख घराने और संबंधित व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी आपको जैसे आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो हुई, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि पीडीएफ भी दूंगा तो आपको A4 साइज में ही होगी यहाँ पर सब कुछ, ताकि आप प्रिंटेबल भी निकाल सको, जिसको लिखना हो लिख भी लें और जिसको प्रिंट निकालना हो वो भी निकाल लें। PDF कहाँ मिलेगी, तो एंड ऑफ द वीडियो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, है ना, टिल द वीडियो, तो वहाँ सभी आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखना स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना प्रमुख घराने और ध्यान रखना संबंधित व्यक्ति, तो बिल्कुल अच्छे से विस्तार से हम यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ध्यान रखना प्रमुख घराने और संबंधित व्यक्ति। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ध्यान रखना घराने से मतलब क्या है सर। तो घराने से मतलब है ध्यान रखना, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ ध्यान रखना, घराने से ध्यान रखना अभिप्राय होता है हमारा घर या कोई परिवार का समूह यानी लोग। अब सपोज़ करो कि आप हैं, आपकी फैमिली में डॉक्टर है, पापा दादा डॉक्टर थे, उनके फिर बेटे डॉक्टर थे और जो बेटे के बेटे डॉक्टर थे, फिर बेटे के बेटे डॉक्टर थे, तो ऐसे में क्या है रीति चल रही है यानी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, वो क्या है फेमस हो जाती है गली मोहल्ले में कि हाँ इस घर से डॉक्टर ही निकल रहे हैं सारे, तो क्या है वो फेमस हो गया यानी एक तरीके से घराना हो गया। तो ऐसी ध्यान रखना क्या है, घराने को हम ध्यान रखना बेसिकली जो है ना गायन से, साथ ही साथ ध्यान रखना वादन शैली से भी देख लेते हैं। अब जैसे आपने UP में एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, है ना, जहाँ पर तमाम गाँवों और हर गाँव में से एक IAS है तो इसलिए फेमस है, तो ऐसे ध्यान रखना तमाम क्षेत्र यानी भारत में कई कई क्षेत्रों में ध्यान रखना कई परिवार एक ही परिवार के समूह है ना, उन्होंने ध्यान रखना क्या है कोई भी जो गायन शैली चल रही है जैसे ध्रुपद शैली हो गई, है ना, जो तमाम चलती जा रही है उसको क्या है फॉलो बरकरार रखा है अभी तक वर्तमान रूप में, उसको क्या कहते हैं घराने कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है बिल्कुल आम शब्दों में, घराने से अभिप्राय एक परिवार या एक परिवार के समूह के लोगों से है जो अपने परिवार से संबंधित प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन सम्मान का संरक्षण करने के लिए रीति रिवाजों एवं अनुशासनों का पालन करते हैं, इसलिए हम घराने शब्द को गायन शैली या वादन शैली के रूप में देख सकते हैं। इसके कुछ प्रकार है वो हम बात कर लेते हैं, इसमें ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार है हमारे ध्यान रखना 10 से 12, मतलब टाइप बोल लो या इसके शैली बोल लो, हम शैली भी कह सकते हैं ध्यान रखना, तो 10 से 12 है ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये तभी तमाम ध्यान रखना मैंने ही अब डिज़ाइन अपने ध्यान रखना इस तरीके से क्योंकि मैं आपको वो कंटेंट दिला रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ा है और खुद सिलेक्शन लिया है, ठीक है ना, मैं कोई बखान नहीं कर रहा इन चीज़ों का कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं है, वो एक तमाम अलग सेपरेट वीडियो का विषय है, उसको हम बाद में बात कर लेंगे। तो अभी ध्यान रखना आपके इंपॉर्टेंट के हिसाब से 10 से 12 ध्यान रखना घराने हैं जो मैं यहाँ पर 1 by 1 डिस्कस करने वाला हूँ, और बिल्कुल इतने ही कंटेंट के साथ इतना ही इनफ है तो बहुत कुछ बताने को, आप देख लेना सर्च कर लेना खुद मिल जाएगा, ये कि इनफ है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान रखना ग्वाले घराना। अब आपको ग्वाले घराना तो पता होगा कहाँ का है, यूपी का। अब ध्यान रखना कुछ घराने इसमें क्या है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, एक तो ध्यान रखना इनके संस्थापक, ठीक है, संस्थापक है ना, उनकी ध्यान रखना एक दो कोई होती है विशेषताएँ यानी, है ना, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना, विशेषताएँ, और साथ ही साथ ध्यान रखना तीसरा ध्यान रखना इससे कुछ संबंधित व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति। तो ये ध्यान रखना क्या है, तीनों में हर घराने में आपको फॉर्मेट मिलेगा और आपको फॉलो ही करना है। संस्थापक है तो संस्थापक तो भैया इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बाकी जो भी है मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वाले घराने के ध्यान रखना संस्थापक कौन है। तो संस्थापक के ध्यान रखना हद्दू खा हस्सू खा नत्थू खा। तो कौन है ध्यान रखना, मेरे साथ बोलो हद्दू खा हस्सू खा नत्थू खा। एक तरीका और बता दूँ, देखो हम जो फॉलो करते हैं, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ और आप, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ भी रहा हूँ पढ़ाता भी हूँ, ये भी ध्यान रखना। तो संस्थापक ध्यान रखना हद्दू खा हस्सू खा नत्थू खा, ये संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनके तो ज़्यादा दादाजी है ना उनको माना जाता है संस्थापक। किनको दादाजी है इनके नाम, ध्यान रखना नत्थन पीरबख्श को माना जाता है। अब आप बताओगे सर संस्थापक भी कह रहे हो, वास्तव संस्थापक भी कह रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने अगर मैं बात करूँ, आपने ध्यान रखना मुगल डायनेस्टी पढ़ी है, मुगल डायनेस्टी में ध्यान रखना यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ी है आपने, तो दिल्ली सल्तनत में आपने, अगर मुगल डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत भी है ना, उसमें 5 वंश आते हैं, है ना, तो उसमें ध्यान रखना सबसे पहला वंश आता है आपको पता होगा गुलाम वंश,
ना, तो गुलाम वंश है। तो आपको पता होगा गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुब ने बक ने करी थी। उसके बाद कौन आया था, ध्यान रखना, इल्तुतमिश आया था। अब गुलाम वंश इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कुतुब ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, है ना। और उसके बाद ध्यान रखना इल्तुतमिश भी क्या है, गुलाम था। तो इसलिए गुलामों का वंश भी है, गुलामों का वो भी कहते हैं संस्थापक। अब क्या है कि ध्यान रखना स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, ध्यान रखना जैसे इसका एरिया है ना, इसने एरिया ध्यान रखना कई लोगों को दे रखा था कि आप संरक्षण करोगे, लेकिन हमें क्या है टाइम टू टाइम रेवेन्यू देते रहना और साथ ही साथ हमें सेना की जरूरत हो वो भी देते रहना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या है, यहाँ पर जो इक्तदार था उनको ना इक्तदार कहते थे, देते हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा। तो उसने क्या है उनके देव में अलग इक्तदार ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन जब इल्तुतमिश का समय आया था इक्तदार को क्या है इन्होंने मर्ज कर लिया, नहीं इकट्ठे कर लिया, नहीं अपने क्षेत्रों को बढ़ाए रखा। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऐसे इसलिए इन्होंने क्या है इसको बनाए रखा, संस्थापक करा। तो इसलिए नथन पीर बस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इनके नथन पीर बस के जो शिष्य है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो कौन है वो ध्यान रखना, कृष्ण इचल जीकर। ये ध्यान रखना छह नहीं है, चय चय इचल जीकर, यानी कृष्ण इचल जीकर ध्यान रखना क्या है नथन पीर बस के वक्ष है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कौन से घराने संबंधित हैं, तो ग्वालियर घराने संबंधित है। अब बात कर लेते हैं सबसे पुराना घराना है ध्यान रखना कौन सा आपका, ग्वालियर घराना। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना ध्रुपद शैली का इस्तेमाल होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पूछा जाता है ध्रुपद शैली का ध्यान रखना। और ध्रुपद शैली का मतलब होता है कुछ एक गाने का बजाने का अलग तरीका होता है। अभी क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ कि ध्रुपद शैली को ध्यान रखना किसने स्टार्ट करा था। अगर हम बात करता हूँ ध्रुपद शैली को किसने स्टार्ट करा था, इसको ध्यान रखना स्वामी हरिदास। किसने करा था, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ने इसको क्या है स्टार्ट करा था। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख जो संबंधित व्यक्ति है, ऐसे तो व्यक्ति बहुत सारे लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछे गए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो वन डे एग्जाम के भी यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा आपको, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है ध्यान रखना विष्णु दिगंबर, दूसरा है पलुष्कर, तीसरा है वासुदेव जोशी, अगला है ओंकारानाथ ठाकुर, अगला है अवीना सहस्रबुद्धे, छठा है मीता पंडित, सातवां है बड़े मोहम्मद खां और आठवां पंडित नारायण राव बोरसे। अब बोलोगे सर आपको याद कैसे करें हम ये बताओ, तो भैया देखो याद करने का ट्रिक भी है वो भी है, लेकिन क्या है ट्रिक से क्या है लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। तो मेरा तो यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नंबर ऑफ टाइम जितना रिविज़न करो ना तो रिमेंबर रहेगा, कीप रिमेंबरिंग योर माइंड इन अ लॉन्ग टाइम, ये ध्यान रखना है। तो यही ध्यान रखना विष्णु दिगंबर, पलुष्कर, वासुदेव जोशी, ओंकारानाथ ठाकुर, वीना सहस्रबुद्धे, मीटा पंडित, बड़े मोहम्मद खान और पंडित नारायण राव बोरसे। तो ये ध्यान रखना ग्वालियर घराने से संबंधित है। चलिए अगले घराने की बात कर लेते हैं। अगला घराना ध्यान रखना इंदौर घराना, जो संबंधित राज्य ध्यान रखना आपका MP, ओके ये ध्यान रखना है। तो संबंधित राज्य ध्यान रखना MP है। इसके ध्यान रखना संस्थापक जो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो ही जाते हैं, उस्ताद आमिर खान, आमिर खान ध्यान रखना। अब आमिर खान से कैसे याद कर लोगे, देखो हम याद करने का तरीका बता दूँ हम कैसे याद करते थे, यानी मैं कैसे याद करता हूँ करता भी हूँ। तो इंदौर आपको पता होगा इंदौर ध्यान रखना MP में है, MP की सिटी है, काफ़ी अच्छी है, डेवलप है। तो वहाँ पर ध्यान रखना सिंपल सी बात है जितनी डेवलप सिटी होगी वहाँ पर अमीर लोग रहेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना इंदौर में कौन रहता है, उस्ताद आमिर खान रहते हैं, है ना। अब जैसे देखो इंद्र दौड़ गए, कहाँ पर दौड़ गए भैया, अमरनाथ की गुफा में दौड़ गए। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। उसके अगले जो व्यक्ति है कौन से है ध्यान रखना, पंडित अमरनाथ, कंचना है ना बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी। अब ध्यान रखना इंद्र दौड़ गए कहाँ पर, अमरनाथ, भैया अमरनाथ इसके तो कहेंगे अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, तो इनकी वाइफ का नाम था कंचना बनर्जी, है ना, पूर्वी मुखर्जी। और भैया अमरनाथ कहाँ पर है ध्यान रखना, पूर्व की तरफ है। तो ऐसे आप खुद बना के खुद कर सकते हैं, ये हम फॉलो खुद करते हैं, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये भी क्या है आपको ध्यान रखना है। देखो याद करने का तरीका इंदौर आपको बता दिया, उस्ताद आमिर खान, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बात ही कर लेते हैं ध्यान रखना पंडित अमरनाथ, है ना, इंदौर दौड़ गए कहाँ पर दौड़े, अमरनाथ, किसके साथ, अपनी बीवी के साथ, उनका नाम था कंचना बनर्जी, और कहाँ की तरफ दौड़े, किस दिशा में, यानी पूर्वी की तरफ। तो याद करने का तरीका है, तो बहुत तरीके हैं, आप खुद अप्लाई भी कर सकते हैं ये चीज़ें, अगर ये पसंद आ रहा तो आप ऐसे भी लिंक करके कर सकते हो। अगला है आगरा घराना, आगरा घराना कहाँ से संबंधित है, यूपी से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके संस्थापक ध्यान रखना हाजी सुजान खान, और इसको ध्यान रखना कौन है ध्यान रखना, तानसेन के दामाद है। ये क्या है ध्यान रखना, तानसेन के दामाद है, हाजी सुजान तानसेन के दामाद है। तानसेन का मकबरा ध्यान रखना कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए MP में, और ध्यान रखना अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन। अब बात कर लेते हैं इनके अगले संबंधित व्यक्ति ध्यान रखना, उस्ताद गग्गे खुदाबख्श, है ना, अगले ध्यान रखना फैयाज खान, तीसरा है लताफत हुसैन खान,
खादिम हुसैन खान और विलायत खान, ये तीनों तो ध्यान रखना अपना पे लिंक है। क्यों? क्योंकि इनके सरनेम के यहाँ पर इनको काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है, यानी महत्वाकांक्षा महत्व दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना फैयाज खान, अब ध्यान रखना फैयाज, फैयाज तो ध्यान रखना अयाज में उड़ रहा है, तो ध्यान रखना क्यों? क्योंकि उसे प्रेम हो गया। लताफत हुसैन खान, भैया लताफत का मतलब होता है लपाटा मार देना, है ना, लताफत मार, लता मार देना। तो भैया ध्यान रखना मारोगे तो भैया उसके प्राण निकल जाएंगे, तो प्राण पिया। खादिम हुसैन खान, अब भैया खादिम यानी खादी वस्त्र पहन के भैया हुसैन जाता है साजन बन के, तो है ना, अब पिया, पिया के पास, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। अब साजन जाता है साजन के पास, कहाँ पर? विलायत, विलायत, विलायत से आएगा मतलब बाहर देश से आएगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो उस्ताद गग्गे खुदा बख्श, फैयाज खान यानी जिनको आप प्रेम पिया कहते हैं, लताफत हुसैन खान प्राण पिया कहते हैं, खादिम हुसैन खां यानी साजन पिया कहते हैं, और विलायत खान इसको ये कहते हैं। तो ऐसे भी आप लिंक करके याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अगला हम बात कर लेते हैं ध्यान रखना इमदाद खानी घराना। कुछ घराने क्या है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रेफरेंस रहती है लेकिन नंबर ऑफ टाइम बहुत कम रहती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इनकी क्या है? प्रेफरेंस कम रहती है, लेकिन आपको मैं सारे पूछ बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना इमदादी घराने, घराने में ध्यान रखना कौन है? ध्यान रखना बुद्ध आदित्य मुखर्जी, निशोद खान, सुजात खान। ये क्या है ध्यान रखना, कौन है? बुद्ध आदित्य मुखर्जी, निशात निशोद खान और सुजान खान। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये इसका ध्यान रखना, एक हमने पीछे 5 क्वेश्चन का ध्यान रखना क्या है, एक क्विज भी रखा है, तो आपको विद द टाइम के हिसाब से बताना है ताकि आपने कितना पढ़ा और कितना आउटपुट निकलता है। ओके, अगला बात कर लेते हैं मेवाती घराना। तो मेवाती घराने के संस्थापक ध्यान रखना कौन है? गग्गे नजीर खां। कौन है? गग्गे नजीर खां। और इससे संबंधित राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो गग्गे नजीर खां, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जैसे पंडित जसराज, ये बड़े फेमस हैं और इंपॉर्टेंट भी है ना, मोतीराम, मणिराम और संजीव अन्याकर। तो ये है ध्यान रखना आपके पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अन्याकर, ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। अगला बात कर लेते हैं भिंडी बाजार घराना। आप बोलोगे सर कैसा है भिंडी बाजार? देखिए वही है जगह, जैसे आपको पता होगा चंपक अली फेमस है रेस्टोरेंट के रूप में, है ना, काफ़ी अच्छा, ये ध्यान रखना। तो भिंडी बाजार घराना ये क्या है ध्यान रखना, इसके संस्थापक ध्यान रखना उस्ताद छज्जू खां। अब मैं देखो याद करने का तरीका बता दूँ, जैसे भिंडी, अब भिंडी को हमें छोक लगाते हैं ना, तो भैया उस्ताद छोक लगा रहे थे ध्यान रखना। अब उस्ताद छोक लगा रहे तो ध्यान रखना क्या है, मन भैया हमारा मन प्रसन्न हो गया छोक लगा के, जब कुछ मिलता है ना जैसे दाल में तड़का लगता है छोक लगता है तो बढ़िया लगती है ऐसी। अब भैया छोक लगा कौन रही है? तो भैया बाई लगा रही है, कौन? अंजना बाई, है ना। और कैसे लगा रही है भैया छोक? भैया भिंडी को काट कर लगाती है, तो ध्यान रखना कोरट कर या काट कर, ये ध्यान रखना। और किसके लिए ले है? लता मंगेशकर के लिए, ये फेमस है, आपको पता है ना संगीत वादिका। तो दूसरी संगीत वादिका में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर पहली कौन है? तो भैया पहली है आपकी ध्यान रखना एम सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, जिनको 1998 में मिल गया था एम सुब्बलक्ष्मी में, एम सुब्बलक्ष्मी है ना। और ध्यान रखना 99 में ध्यान रखना इनको ध्यान रखना लता मंगेशकर को मिल गया था, आई थिंक डेट एक बार देख लेना कन्फर्म 1998 ये ध्यान रखना 2001, तो मे बी आई थिंक ये थोड़ी डाउटफुल हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, आप कुछ चेक कर लेना, ठीक है ना। चीज़ है देखो डाटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया पहली वो ध्यान रखना संगीतकार जिन्हें भारत से मिला तो नोबल, ये एम सुब्बलक्ष्मी, और दूसरी ध्यान रखना लता मंगेशकर। तो मैंने बता दी भिंडी बाजार गाने का ध्यान रखना छज्जू है ना उस्ताद छज्जू है नी, छोक लगाएंगे कौन? भैया मन प्रसन्न हो जाएगा नहीं उस्ताद अमन अली खां। कौन पकाएगी? भैया बाई, तो अंजनी बाई मालपेकर है ना, कहाँ से? या कूट कर यानी भिंडी को कोट कर या काट कर, है ना, शाशी कला काट कर। और भैया किसके लिए? लता मंगेशकर के लिए, ये आपको ध्यान रखना। अगला है मेवाती घराना, मेवाती घराना ध्यान रखना उस्ताद मम्मन खां, उस्ताद मम्मन खां। देखिए अभी शायद मेवाती घराना आ गया था तो ये नाम चेंज होना पड़ेगा, है ना, ये दूसरा घराना, इसी इसका नाम है घराने का दिल्ली घराना, ठीक है, ये हमारा दिल्ली का दिल्ली घराना, तो इसको ध्यान रखना, वो एडर हो गया होगा एडिट करने में। तो संस्थापक का ध्यान रखें दिल्ली घराने के उस्ताद मम्मन खां। अब भैया दिल्ली में क्या है? हर कुछ रोजगार है, सारी की फैसिलिटी है, हर कुछ, तो ध्यान रखना इसका उस्ताद मम्मन खां यानी मन लग जाता है हमारा दिल्ली में, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है ध्यान रखना इसको आगे बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल, हंसी का पात्र है तो उसको उसी संदर्भ में ले आप, ठीक है। जैसे आपने आपके फादर ने आपको बुलेट लेके दी, बुलेट लेके दी तो ध्यान रखना आप उनको, उन्होंने ला के दी तो वो क्या है उसके मालिक हो गए एक तरीके से, लेकिन उसके चलाने के लिए किसको दी? आपको, यानी उसको आप क्या आगे चला रहे हो, उसकी सर्विस करा रहे हो, उस पर आप बिठा के ले जा रहे हो मैडम को, है ना, तो समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ समझ गए आप, क्योंकि इस एज में समझ जाते हो, है ना। तो कोई मेरा और मोटिव नहीं है, बस जस्ट आ जोकिंग ओ पार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रवर्तक का मतलब उसको आगे चलाने वाले, जैसे आपके पापा ने बाइक खरीदी थी, बाइक खरीद के दी कि घर का सामान वामान लिए, लेकिन तो भाई साहब और ही कहीं हवा में उड़े,
है ना, अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं फेमस मैडम जी को ले जाके, तो वही मतलब उसको आगे चलाने वाला, तो प्रवक्ता का मतलब होता है इसको आगे बढ़ाने वाले। तो कौन थे ध्यान रखना, दिल्ली घराने को तानशेन खां, और ध्यान रखना सब्बू खां। कौन? तानशेन खां, सब्बू खान। इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जैसे चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, कृष्ण बिष्ट, इकबाल अहमद खान, तो ये आपको मैंने बता दिया। अगला है पटियाला घराना, तो भैया पंजाब का है पटियाला पैग पटियाला। इसके संस्थापक ध्यान रखना उस्ताद फतेह अली खां, उस्ताद अली बख्श, बड़े गुलाम अली। कौन? उस्ताद फतेह अली खान, है ना, उस्ताद अली बख्श और बड़े गुलाम अली खान, ये आपको ध्यान रखना पटियाला घराने के। इनके इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, जैसे कुछ बड़े गुलाम अली खां जो तो नाम आगे संस्थापक में है ना, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीना सुल्तान। देखो मैंने बता दिया याद करने का तरीका, आप लिंक करके बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये क्या है, लिंक करके बिल्कुल कर सकते हो। बाकी मैं सेपरेट वीडियो में इनकी ट्रिक भी बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको ट्रिक के यहाँ पर याद करना है, तो मैं वो भी जो टेबल या मतलब जो वो भी है वो ही प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर यानी सेपरेट लेक्चर में इनके अलावा। ओके, तो उस्ताद अली खां ये मैंने आपको बता दिया। अगला है रामपुर सहसवाना घराना। रामपुर सहसवाना घराना भी ध्यान रखना कहाँ का है, यूपी का है। इसके संस्थापक मैंने बोला संस्थापक तो इम्पोर्टेंट है ही, इनको ध्यान रखना। ओके, तो इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक ध्यान रखना उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। रामपुर सहसवाना घराने के उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। मैंने अभी आपसे पूछा था ना ध्यान रखना ग्वालियर घराने का, मेरे को ग्वालियर घराने का ध्यान रखना वास्तविक संस्थापक होना है, यानी मैं बात करूँ रियल फाउंडर ऑफ ग्वालियर घराना। तो कौन थे ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था ना नत्थन पीरबख्श। कौन थे? नत्थन पीरबख्श, है ना, उनके शिष्य कौन थे? कृष्णजी चकल। और संस्थापक कौन थे, है ना, हद्दूखा, हसुखा, नत्थुखा, वो मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही आपको याद करना है ना। इसके और भी इसमें मित्र यानी हम संबंधित व्यक्ति कौन से हैं रामपुर सहसवाना घराने के, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निशार खान, उस्ताद राशिद खान और सुलोचना, है ना। उसके साथ साथ ध्यान रखना बृहस्पति जी, मुनीरनिया जी, सादिक हुसैन, जीशान खान। आप नंबर ऑफ टाइम ना बस लिख लिख के याद करना। एक तरीका और है मैं आपको देखो याद करने का बताऊँ, हम खुद ऐसे याद करते थे और करते भी हैं, लंबे समय तक मेमोरी में रहेंगे आपकी। क्या है, आप जितना भी हो ना ध्यान रखना लिख लिख कर करना, है ना, लिख लिख कर याद करना, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस भी होती है और लिखने का मतलब तरीका भी, और साथ ही साथ ध्यान रखना ये याद भी रहते लंबे समय तक, क्योंकि जितना आप लिखोगे नज़र में रहेंगे आपकी तो आँखों में वही चीज़ रहती है ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अगला है ध्यान का जयपुर घराना। तो जयपुर घराना पता ही है किस राज्य से संबंधित होगा, तो सिंपल सी बात है राजस्थान से संबंधित होगा सर, ठीक है ना। और जयपुर घराने को ही इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना क्या कहा जाता है, तो जयपुर घराने को ही कहा जाता है ध्यान रखना, जयपुर घराने को कहा जाता है ध्यान रखना आपका अतरौली घराना। क्या कहा जाता है ध्यान रखना, अतरौली घराना कहा जाता है। संस्थापक ध्यान रखना इसके उस्ताद अल्लादिया खां, उस्ताद अल्लादिया खां कहा जाता है, ठीक है। जयपुर घराने को अतरौली घराना कहा जाता है, संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां। इससे संबंधित और व्यक्ति कौन से, जैसे मल्लिका मंसूर, केसर भाई केरदर, किशोरी अमेनकर। अब किशोरी अमेनकर इंपोर्टेंट क्यों हो जाती है, तो इनको मिला ध्यान रखना पद्म भूषण 1987 में और पद्म विभूषण आपको 2012 में। ये तीन कैटेगरी होती है भूषण की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ओके, और पद्म और भूषण, ये आपको ध्यान रखना, भूषण विभूषण और तो ये सबसे बड़े होते हैं, आपको ये ध्यान रखना। इन मतलब इनमें दोनों को ही मिल गया, मतलब किशोरी अमेनकर को मिल गया है पद्म भूषण 1987 में और पद्म विभूषण 2012 में मिला है। उसके बाद पद्म तलवार है ना, एक विधा गौरी अडकर है, बंदे अली खां है और एक पंडित लक्ष्मी प्रसाद है। ओके, पंडित लक्ष्मी प्रसाद, बंदे अली खां, विधा गौरी अडकर, तो ये ध्यान रखना इनसे संबंधित व्यक्ति है जो जयपुर घराने के काफ़ी प्रवर्तक और मुख्य माने जाते हैं, जिनको महत्वपूर्ण भूमिका मतलब आगे चलाने की महत्वपूर्ण भूमिका, सिंपल सी बात है, जो इम्पोर्टेंट काम करेगा यानी जो महत्व अच्छी बनाए रखेगा, उसकी पहचान बनाए रखा होगा, तो नाम आएगा ही उसका समाज में, है ना, लोगों के बीच में वही। अगला है ध्यान रखना आपका लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने को कहा जाता है ध्यान रखना कालका बिंदादीन घराना, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कालकादीन घराना। जब हम टेस्ट लगाते थे ना, और लगाते भी है देखो, है ना, तो वहाँ पे पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। अगर इनमें ध्यान रखना जैसे बिंदादीन, है ना बिरजू महाराज, कोदक सिंह, बेगम अख्तर, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, तो ये इसके ध्यान रखना क्या है, संबंधित व्यक्ति है। चलिए अगला बात कर लेते हैं ध्यान रखना बनारस घराना। तो ये तो भैया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना बनारस घराने से संबंधित जो भी व्यक्ति है ना, वो आपके ध्यान रखना जो वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र वहाँ से भी पूछे जाएंगे, मतलब वहाँ से संबंधित है, और ये जो आप पढ़ोगे वहाँ भी काम आएंगे, जो मैं आपको आने वाले लेक्चरों में पढ़ाऊँगा।
तो बनारस घराने के ध्यान रखना संपादक कौन है? ध्यान रखना पंडित राम साहेब मिश्र। और इसमें ना ध्यान रखना हम कुछ कैटेगरी बांट देते हैं, जैसे बनारस है यानी बनारस में एक जगह है बनारस घराना, वहाँ पे ध्यान रखना कई सारे इंस्ट्रूमेंट को लेके ध्यान रखना फेमस व्यक्ति है ना, संबंधित कलाकार है, वो आपको बता रहा हूँ। पहला ध्यान रखना सेनाई वादक। सेनाई वादक में आपको पता होगा तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां ना वही व्यक्ति है जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इन्होंने ध्यान रखना कहाँ पर रेड फोर्ट पर क्या है ध्यान रखना ये बजाया था सेनाई। उसके बाद ध्यान रखना पंडित राम साहिब मिश्र। अगला है तबला वादक। तबले में ध्यान रखना भैया क्या पंडित कठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किसान महाराज है ना, पंडित गुड़ई महाराज को ध्यान रखना समता महाराज भी कहते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो ये ध्यान रखना आपके सेनाई वादक हैं, सॉरी तबला वादक है, जो मैंने आपको चार पांच नाम बता दिए इम्पोर्टेंट। ओके, अगला है ध्यान रखना पखावज या मृदंग वादक। तो इसमें कौन है ध्यान रखना मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सारंगी में ध्यान, अब ये ध्यान रखना मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ ना ये सारे ध्यान रखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। सारंगी में ध्यान रखना जैसे शंभू समीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, यह क्या है ध्यान रखना। अगला है सितार वादक। सितार में ध्यान रखना पंडित रविशंकर, और संतूर वादक में है शिव कुमार शर्मा। अब देखो मैं दोनों को याद करने का तरीका बताऊं, देखो कुछ है क्या लिंक हो जाते हैं कुछ नहीं होते हो, तो ये नॉर्मल है ना, और चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, कुछ नहीं होते तो कुछ हो जाते हैं। जैसे सितार, अब सितार ध्यान रखना यानी तारा, तारा कहाँ होता है ध्यान रखना आसमान में कैसे चमकता है सूर्य की किरणों से, तो ऊपर क्या होता है सूर्य का परिवाची रवि, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पंडित रविशंकर। अब जैसे संतूर यानी संतरा, अब संतरा क्या है हमारे लोकल लैंग्वेज में पूछा जाता है, मतलब बोला जाता है संतरा यानी दारू 20-30 रुपये का आता है ऐसी। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो भैया न्यूज़ आती है अखबार में पूछ सुन लेना है ना। तो संतूर वादक का ध्यान रखना क्या है संतूर यानी भांग। अब शिव का ध्यान रखना क्या है नशा करते हैं भांग करते हैं, तो संतूर से ध्यान रखना संतूर यानी नशा कौन करता है शिव, तो कुमार शर्मा। आपको ऐसे याद कर लेना, लिंक बना सकते हो आप बहुत तरीके। अगला है किराना घराना ध्यान रखना संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक है ध्यान रखना अब्दुल करीम खां और अब्दुल भाइया खां। कौन है ध्यान रखना अब्दुल करीम खां और अब्दुल भाइया खां। इससे संबंधित व्यक्ति ध्यान रखना जैसे सवाई गंधर्व है ना, सुरेश बाबू माने है ना, प्रभा आनने, हीराबाई वाडोटकर और मानिक वर्मा, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और सरस्वती। तो मैंने आपको सारे जितने भी थे आपको मैंने बता दिया है, आप हो जाइए रेडी क्विज़ के लिए। तो मैंने 13 इंपॉर्टेंट थे है ना, 12 से 13, तो मैंने सभी आपको यहाँ पर घराने करा दिए, संबंधित व्यक्ति भी करा दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको करा दी। अब आपने जो पढ़ा है उसका ध्यान रखना क्विज़ टेस्ट ले लेते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, मैं यहाँ पर टाइम भी लगा लूँ ताकि आपको ना सारी चीज़ मिल जाए उसके भी यहाँ पर, तो जस्ट मिनट है ना, मैं यहाँ पर वो लगा लेता हूँ वॉच है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको 5 सेकंड दूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो इतना आप क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके ए ग्वालियर घराना, बी आगरा घराना, सी लखनऊ घराना, डी जयपुर घराना। तो मैंने आपको बताया था सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ध्यान रखना ग्वालियर घराना। जिनका भी सही था तो भैया अपनी पीठ थपथपा लो, मैं तो आ नहीं सकता ऑनलाइन वाला, मैं जरूर रहा था थपथपाने। चलिए अगला क्वेश्चन है ध्यान रखना, ओके एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अगला क्वेश्चन है आपका ध्यान रखना है, टाइम लगा दिया मैंने वैसे है ना, टाइम मिल जा ज़्यादा ही मिल जाता 5 मिनट 5 सेकंड से। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा, ध्रुपद गायकी। अब देखिए ध्रुपद गायकी बोलो या इसे शैली बोलो है ना, कई टर्म यूज़ होते हैं हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में नॉर्मली एक ही होता है स्टाइल ऐसा। तो ध्यान रखना ध्रुपद गायकी किस घराने संबंधित है, मेवाती घराने से है या ग्वालियर घराने से है, जयपुर घराने से है, किराना घराने से है। तो मैंने आपको बताया था ध्यान रखना कौन से घराने से है, ग्वालियर घराने से। और ग्वालियर घराने के ध्यान रखना संस्थापक कौन है, हद्दू खां है ना, हस्सू खां और हद्दू खां नस्सू खां है ना। और उसके ध्यान रखना वास्तविक संस्थापक नथन पीर बख्श, उनके शिष्य कौन थे, कृष्ण जी इचलजीकर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखना, यहाँ पर मैं टाइम लगा लेता हूँ ऐसे है ना, बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जल्दी बताओ 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ लास्ट ना। तो बड़े गुलाम अली खां है ना, बड़े गुलाम अली खां किस घराने संबंधित है, तो बिल्कुल आप गलत नहीं बताओगे ध्यान रखना, बड़े गुलाम अली खां। अब भैया बड़े लोग कहाँ रहते हैं, भैया पटियाला यानी पटियाला
पटियाला पैग, मतलब बड़े लोग तो पीते हैं ना, तो पटियाला पैग पीते हैं, तो आप ऐसे याद कर लो, है ना, पटियाला घराना, तो पटियाला पैग पीते हैं तो पटियाला घराना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया भी था और ये क्वेश्चन है भी, इनके ध्यान रखना। अभी तो पाँच वो लिए मैंने एज अ क्विज, तो मैं और भी यहाँ पर आपको करवाऊंगा अलग लेक्चर में जब हमको ये कराना होगा, तो यहाँ पर टाइम लगा दिया, बताइए जल्दी, है ना। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, तो आरंभ किसने किया जल्दी बताइए, ध्यान रखना आपका टाइम समय होता है ख़त्म। चलिए तो ध्यान रखना, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, ध्यान रखना आपका, ए अमीर खुसरो, बी स्वामी हरिदास, सी तानसेन, डी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ध्यान रखना आपका यहाँ पर स्वामी हरिदास, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ध्रुपद शैली का। अगले हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम लगा दूँ मैं ना। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, तो जल्दी बताइए पंडित जसराज। तो ए साहित्य लेखन, बी वाद्य लेखन, सी शास्त्रीय गायन, या डी शास्त्रीय नृत्य। तो आपका टाइम खत्म होता है ये, तो यहाँ पे ध्यान रखना राइट ऑप्शन है, ध्यान रखना सी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। और आप कमेंट में बताओगे जो पंडित जसराज है वो कौन से घराने से संबंधित है, मैंने आपको बताया भी था अभी, तो कमेंट में सारे बताना। और प्लीज़ पाँच में से जितना आपको स्कोर है वो ही बताना, कोई वो नहीं है कि है ना, बट इससे क्या है कि फीडबैक मिल जाता है कि हाँ आपको कितना आउटपुट मिला है वीडियो से वो सभी। और मैं यही चाहूँगा, उम्मीद करूँगा आपसे कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा ना, प्लीज़ बताना ज़रूर, चाहे आपका ध्यान रखना अच्छा हो या आपका बैड मतलब रिस्पॉन्स हो, बिल्कुल बताओ। अगर कुछ कमी होगी मैं ज़रूर सुधारूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो आप ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, जो भी आपको राय देनी हो बताना, ठीक है, कितना स्कोर हुआ वो भी बताना। ओके शुरुआत मैंने करी है तो ये बताना शुरुआत कैसी है, तो ये सभी आपको बताना है ताकि मेरे को अच्छा महसूस हो, मैं और आगे से अच्छी मेहनत के साथ आपके साथ काम करूँ। और आपको फॉलो करना है तो मैं कुलदीप इंडियन के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, तो यहाँ पर आता तमाम लेक्चर मतलब वीडियो भी है हमारे आते रहते हैं, अपडेट होते रहेंगे। जुड़ने के लिए कुलदीप दिल्ली पुलिस आपको पता ही चल गया, और ये मेरा नंबर है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके तो कुलदीप दिल्ली पुलिस मेरा चैनल का नाम है, मैंने आपको बता दिया है ना। अब ये PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इसकी जो लिंक है ना वो प्रोवाइड हो जाएगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये क्या है कलेक्ट कर लेना ताकि प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।